सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता पांचवी का दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 2 लालची कुत्ता ये पढ़ने वाले हैं। ये एक कविता है, इसके लेखक हैं प्रभाकर भट्ट। कविता शुरू करने से पहले हम आपको इसका परिचय देंगे। लालच करना अच्छा नहीं होता, लालच का परिणाम बुरा होता है। इस कविता से यही सीख हमें मिलती है। तो बच्चों, हम आप कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे। एक कुत्ता जो बहुत लालची, भाग चला लेकर रोटी। आप भी हमारे साथ ये पंक्तियाँ दोहराएंगे। एक कुत्ता जो बहुत लालची, भाग चला लेकर रोटी। तो बच्चों, एक कुत्ता है जो बहुत ही लालची है और वो अपने मुंह में रोटी लेकर भाग रहा है। पड़ी रास्ते में उसके एक नदी जो थी छोटी। पड़ी रास्ते में उसके एक नदी बहुत जो थी छोटी। रास्ते में उसे एक नदी पड़ी जो के बहुत ही छोटी थी, जहाँ से कुत्ते को जाना था। आप चित्र में देख सकते हैं, एक बार फिर पढ़ेंगे। पड़ी रास्ते में उसके एक नदी बहुत जो थी छोटी। आगे, जाने को उस पार नदी के रखा था पतला पटरा। संभल संभल कर चलना पड़ता, वरना था पूरा खतरा। तो बच्चों, नदी के उस पार जाने के लिए रास्ते में एक पतला पटरा रखा था। इस पर बहुत संभल संभल कर चलना पड़ता था, वरना क्या होगा, गिर जाने का खतरा होगा। तो इस तरह कुत्ता जो है उसके ऊपर चलने लगा। जाने को उस पार नदी के रखा था पतला पटरा, संभल संभल कर चलना पड़ता, वरना था पूरा खतरा। पानी में देखा एक कुत्ता, उसके जैसा था जो दिखता। तो बच्चों, चलते चलते कुत्ते की नज़र कहाँ पड़ी, पानी में, जिसमें उसे उसकी परछाई नज़र आई। और कुत्ते को लगा कि कोई दूसरा कुत्ता जो है वो पानी में है, जो बिल्कुल उस जैसा है और उसके मुंह में भी रोटी है। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में किस तरह कुत्ता जो है पानी में झांक रहा है। पानी में देखा एक कुत्ता, उसके जैसा था जो दिखता। उसके जैसी मुंह में रोटी दिख रही थी मोटी मोटी। कैसे रोटी उसकी पाऊं, उसका हिस्सा भी हथियाऊं। तो बच्चों, जब उसने पानी में झांका तो उसे नज़र आया कि उसी की तरह एक कुत्ता है जिसके मुंह में क्या है, रोटी है। और वो बिल्कुल हूबहू उसके जैसा नज़र आ रहा है। उसके दिल में क्या ख्याल आया, लालच आई कि मैं वो रोटी भी ले लूं उससे। एक बार फिर पढ़ते हैं। उसके जैसी मुंह में रोटी दिख रही थी मोटी मोटी। कैसे रोटी उसकी पाऊं, उसका भी हिस्सा हथियाऊं। तो बच्चों, ये अच्छी आदत नहीं है कि हम दूसरों की चीज़ को हथिया लें, ले लें, हड़प कर लें। ये गलत बात होती है, इस तरह से हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। भौंका सोच बेभानी में, रोटी जा गिरी पानी में। भौचक का सा लगा देखने, खड़ा रहा मुंह बाय। तो बच्चों, आपने देखा कि कुत्ता जो है रोटी हथियाने के चक्कर में भौंकने लगा पानी में देखकर, और उसके मुंह में जो रोटी थी वो भी पानी में गिर गई। इस तरह से कुत्ता जो है वो भौचक्का यानी चकित रह गया।
मुंह खोलकर खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि जो उसके हिस्से में रोटी थी वो भी चली गई। तो लालच अच्छी बात नहीं है। लोभी, लालच यानी किसको कहते हैं? लोभ करने को। बच्चों इसको कभी ना भूलो, लालच बुरी बलाए। तो इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि लालच अच्छी बात नहीं है, वरना जो आपके हिस्से में है वो भी चला जाएगा। इसलिए हमारे हिस्से में जो भी है हमको उसी पर खुश रहना है और दूसरों की चीज़ों पर कभी भी नज़र हमें नहीं रखना है, क्योंकि लालच हमेशा बुरी बला है। बच्चों अब हम कविता में आए शब्दों के अर्थ जानेंगे। यहाँ लिखा है लालची, इसका अर्थ है लोभी। एक अर्थ है एक पटरा, लकड़ी का पल्ला। उसके बाद यहाँ है वरना, नहीं तो। खतरा, डर, दिखता, दिखाई देता। दिख, दिखाई देता। हथियाना, धोखे से ले लेना। आया था शब्द हथियाना यानी धोखे से ले लेना। यहाँ है बेभानी, बिना समझे बूझे। भौचक का चकित, यहाँ अर्थ है भौचक्का का चकित। मुंह बाय, मुंह खोलकर। बला, विपत्ति, दुख। यहाँ प्रश्न के उत्तर आपको देना है। यहाँ पर तीन पर्याय दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही उत्तर चुनकर पर्याय को पूरा करना है, लिखना है। अब यहाँ लिखा है कुत्ता भौंका क्योंकि वे डर गया था, उसने नदी में खतरा देखा था, वे परछाई वाले कुत्ते की रोटी पाना चाहता था। आप जान गए होंगे कि सही पर्याय कौन सा है, तो आइए देखते हैं। कुत्ता भौंका क्योंकि वो परछाई वाले कुत्ते की रोटी पाना चाहता था, ये उत्तर है हमारा। दूसरा, पटरे पर संभल संभल कर चलना पड़ता था क्योंकि, यहाँ पे तीन पर्याय है। अब आप बताइए, पटरा बीच में कमज़ोर था, दूसरा है पटरा बहुत पतला था, तीसरा है नदी बहुत चौड़ी थी। सही पर्याय क्या है इसका? पटरा बहुत पतला था। तीसरा, लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि, तीन पर्याय में से हमें चुनना है। उससे झगड़ा होता है, दूसरा है उम्र कम हो जाती है, वह बहुत बुरी चीज़ है। भाषा ज्ञान एवं व्याकरण, यहाँ आपको समझना है बातचीत करते समय हम बीच बीच में कहीं कम कहीं ज़्यादा देर रुकते हैं। इससे सुनने वाला व्यक्ति हमारी बात को अच्छी तरह समझ पाता है। जब हम कुछ लिखते हैं तो इस कार्य के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह। मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार है, ध्यान से देखेंगे बच्चे और इन्हें लिखकर प्रैक्टिस भी करेंगे। पहला है पूर्ण विराम, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्या है यहाँ पर? पूर्ण विराम। दूसरा है अल्प विराम, यहाँ देखिए। तीसरा है अर्ध विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो हम हमेशा देखते हैं। उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या ये? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह, इस तरह ये
जो है मुख्य विराम चिन्ह यहाँ पर बताए गए हैं, जिन्हें आपको याद रखना है और लिखना भी है। पढ़ो और विराम चिन्हों को समझो। यहाँ विराम का अर्थ होता है रुकना। चलिए एक बार फिर से हम ये तमाम चिन्हों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। पूर्ण विराम इस तरह से होता है, अल्प विराम थोड़ी देर आपको रुकना है, प्रश्नवाचक यानी सवाल पूछा गया हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा, विस्मयादिबोधक ये जो है विस्मया अचंबा या ताज्जुब वाला जो वाक्य होता है उस पर यह चिन्ह लगाया जाता है, अर्धविराम, अर्धविराम यानी थोड़ा ज़्यादा रुकने को कहा जाता है। ठीक है, पहला वाक्य हम देखेंगे, नदी जो थी, नदी बहुत जो थी छोटी। यहाँ पर ये वाक्य पूर्ण हो गया है तो आप देखेंगे यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया गया है, यानी ये जुमला यहाँ पर है, वाक्य जो है वो पूरा हो गया है। दूसरा देखते हैं, उसका हिस्सा भी हथियाऊँ। यहाँ उसके मन में प्रश्न आ रहा था तो यहाँ पर लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है, भौचक्का सा लगा देखने, खड़ा रहा मुँह पाए। आप देखेंगे यहाँ पर हम थोड़ा रुक जाते हैं, किस तरह भौचक्का सा लगा देखने, तो यहाँ लगा है अर्धविराम, थोड़ा ज़्यादा रुके हैं हम, खड़ा रहा मोबाइल, तो ये जो है अल्प विराम है, यानी आपको थोड़ा सा रुकना है फिर हमारा आगे का वाक्य हमें पढ़ना है या बोलना है। चौथा है, बच्चों यहाँ पर जो चिन्ह लगा है विस्मयादि बोधक है, जिसमें अचंबा विस्मय या ताज्जुब वाले जो वाक्य होते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। बच्चों इसको कभी ना भूलो, या हम थोड़ा रुक जाएंगे पूरा वाक्य नहीं पढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं अर्धविराम। लालच बुरी बलाए, यहाँ हमारा वाक्य पूर्ण हो चुका है इसलिए पूर्ण विराम लगाया गया है। तो बच्चों इसे बार बार पढ़िए, दो से तीन बार लिखिए और याद भी रखिए। आगे चलते हैं, विरोधार्थी शब्दों की जोड़ियाँ मिलाओ। अब यहाँ पर आपको सही जोड़ी का चुनाव करना है और उसे दोबारा यहाँ पर लिखना है। छोटी, छोटी के साथ क्या आएगा, यहाँ पर आप हमें बताएंगे पहली जोड़ी। बड़ी, छोटी के साथ क्या आएगा, बड़ी, ये उसका क्या है, विरोधार्थी शब्द है। दूसरा है पतली, पतली का विरोधार्थी शब्द क्या होगा, मोटी। तीसरा है पूरा, पूरा के साथ क्या आएगा विरोधार्थी, आधा। चौथा है बुरी, बुरी इसका क्या होगा विरोधार्थी, अच्छी। इस तरह ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, आप इसे लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसी तरह पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और आपको जो भी गृह कार्य दिया गया है उसे सुअक्षरों में लिखिए और अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। बच्चों इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है, इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके, इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है।